देखिए देश दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अदालत के आदेश पर हुए सर्वे का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। LIC के शेयर आज सूचीबद्ध होंगे, इसे लेकर निवेशकों के बीच अच्छा माहौल नहीं है। इससे पहले भी सरकारी कंपनियों के साथ निवेशकों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों को विशेष मौका दिया जा रहा है। ये मौका उन छात्रों के लिए है जो हाल में संपन्न यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा देने से चूक गए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP द्वारा ऐसे छात्रों को विशेष तौर पर दूसरा अवसर दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई शहरों में आंधी और बारिश से भीषण गर्मी से और राहत मिलने की संभावना है। पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान संगठनों ने 17 मई को चंडीगढ़ में मोर्चा लगाकर प्रदेश सरकार को घेरने का ऐलान किया है। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठनों ने ऑनलाइन बैठक करके मोर्चे की तैयारी की समीक्षा की। यमुना सूखने की कगार पर पहुंच गई है, इससे दिल्ली में पेयजल की समस्या और गहराने लगी है। इससे दिल्ली के करीब 25 इलाकों में आज पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की अदालत की पुष्टि के बाद विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह पर कमीशन की कार्यवाही में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। डाकिया डाक लाया की तर्ज पर अब दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की डिग्री भी डाकिया लेकर आएगा। LOL ने साल 2005 से 2019 तक अपना कोर्स पूरा करने वाले छात्रों तक डिग्री डाक से भिजवाने की सुविधा शुरू की है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण जलवायु परिवर्तन का असर अब चरम मौसमी घटनाओं के रूप में दिखने लगा है। भारत में एक तरफ उत्तर भारत में लू कहर ढा रही है तो दक्षिण और पूर्वोत्तर को भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप का शिकार होना पड़ रहा है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख ने सोमवार को दावा किया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के करीब अपनी तरफ तेजी से बुनियादी ढांचे को विकसित करने में जुटी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।